रात में हम जिस होटल पे भाई रुके थे जालता, वो यही होटल है। यहाँ पे भाई देख सकते हो फट्टा टेलर बहुत आपको मिलेगा, और प्लस अपना एक टेलर बस कंटेनर है, कार गाड़ी नहीं। तो भाई फट्टा टेलर ज़्यादा करके यहाँ पे ना मुझे यही फट्टा टेलर दिख रहे हैं, और सामने एसपी का पंप है। और प्लस हमें इस रास्ते से भाई जाना है समृद्धि पे, और जो कि सामने ही आपको दिखाई दे रहा होगा पर पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कंपनीज हैं, और आगे ही सामने भाई अपना भाई स्पेस वे है। हे गाइस गुड मॉर्निंग यार, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहली बात तो वीडियो लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई वीडियो अच्छा लगे फिर लाइक करना। आज आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई सामने से सनराइज हो रहा है, और हम अभी भाई गाड़ी को बैक करेंगे, और गाड़ी को बैक करके ना फिर भाई इस रास्ते जाएंगे, जो कि ये गाड़ियाँ आ रही हैं समृद्धि से, तो हमें भाई समृद्धि पकड़ना है। तो जालना तो भाई नासिक, तो आ जाओ फिलहाल अभी चलते हैं भाई। यहाँ पे भाई देख रहे हो कितना कितना जगह बचा है, ये सजवा के गाड़ी लगाए थे वो, तो भाई थोड़ा सा जगह बचा है। अभी यहाँ से भाई स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी, वैसे ना मैं स्टार्ट कर दिया हूँ प्रेशर बनने के लिए, बस अब निकलना है तो प्रेशर बनने में थोड़ा 10 से 5 मिनट लगता है। तो मैं सोचा भाई आपको लोकेशन दिखा दूँ यहाँ का, जो कि भाई काफ़ी बड़ा पार्किंग है, और ये कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। और ये होटल जो है भाई ये खुलेगा 11 तारीख को, अभी बंद है, अभी बस फिलहाल बनाई है। और ये है हमारे वॉचमैन साहब, जो कि भाई गाड़ियों का रखवाली करते हैं, और पार्किंग में ये होता है ना 50 रुपये पार्किंग लगती है, पर भाई गाड़ी अपनी सेफ रहती है, और पार्किंग देख ही सकते हो, और गाड़ी भी आराम से बच जाती है, और आराम से भाई सोते हैं, फिर उसके बाद ना हम आराम से आगे की तरफ भाई सुबह में मूव करते हैं। आ जाओ, फिलहाल प्रेशर तो हो गया होगा क्योंकि 4% था, 2% बनने थे, अभी फ़िलहाल मूव करते हैं आगे की तरफ। गाड़ी की आप सीधी सीधी बैक करनी पड़ेगी, पहली बात तो ये गाड़ी निकल जाती तो आराम से गाड़ी हमारी सामने से चल जाती, तो कोई बात ना निकलते हैं भाई अभी। वैसे अभी ना मेरी गाड़ी आवाज़ कर रही है टी टी की, लगता है प्रेशर नहीं बना है यार, 6 पे तो पहुँचने ही वाला है पर अभी फुल नहीं बना है, तो कोई बात ना भाई अभी बन जाएगा, उसके बाद ही निकालेंगे। अच्छा भाई यहाँ पे करेंगे हम नाश्ता, उसके बाद निकलेंगे आ जाएगी समृद्धि पे। भाई अपने को कुछ मिलेगा नहीं, इसके लिए ना पहले कैमरा बंद कर देते हैं यार, कैमरा कभी कभी भूल जाता हूँ। तभी ये टपरी है होटल जगदम्ब, ओ भाई मैं जगदम्बा सुना था, यहाँ पे जगदम्ब है। आ जाओ नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके ना फिर आगे की तरफ भाई कंटिन्यू करेंगे। बात तो सही है, यही खिला दो एक, कल शाम को नहीं खा पाया था ये। हो गया भाई अपना नाश्ता पानी, क्या है ना अगर ऊपर चढ़ने के बाद भाई कुछ मिलता नहीं है, इसके लिए नाश्ता वास्ता कर लो, जहाँ तक कि अगर मिल रहा है तो भाई पार्सल करके भी ना रख लो साथ में, नहीं तो ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ऊपर मिलेगा भी तो भाई उतना अच्छा नहीं रहता। तो अभी हो गया, अभी निकलते हैं आगे भाई समृद्धि पे। अभी आप एक बार ये वाले सीन भाई चेक करो, और बताओ कमेंट में कि आपको ये सीन कैसी लगी। एक बंदा दिखाता हूँ ऊपर भाई पहाड़ पे, वो तो दिख रहा है ना भाई, वो बंदा है, अगर रुक के दिखाता तो वो साफ दिखता, और गाड़ी चल रही ना इसके लिए भाई वो ब्लर हो रहा है भाई। ऐसे ऐसे जगहों से निकलने में ना भाई खतरनाक सी मजा आती है, ऐसा लगता है भाई कि बस करो आ गए भाई पहाड़ों में। दोनों साइड से पहाड़ ऐसे भाई, आज हमें ना बहुत अच्छी अच्छी सीन्स मिलेंगी आपको दिखाने के लिए, जो कि भाई आप भी इंजॉय करोगे, और मैं तो भाई नज़दीक से भाई चल के इंजॉय करता ही हूँ। और फिलहाल एक ना गुफा में भी लेगी आपको, गुफा में भी शेयर कराऊंगा मैं, जो कि भाई पहाड़ों के अंदर से अपनी गाड़ियाँ जाएंगी। आ जाओ दिखाते हैं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो।
ये रही वो चूहे की बिल भाई, जो कि अभी हम लोग इसके आगे ना बहुत छोटे दिखेंगे, बस आप देखते जाओ। इसके अंदर भाई एंटर करने वाले हैं, जो कि काफी मजा आता है भाई ऐसे ऐसे गुफा मिलते हैं। तो वैसे मैं पहले ट्रेनों में जब सफर करता था तब भाई गुफा मिलती थी, अभी रियल लाइफ में अपने भाई ऐसे जा रहा हूँ गुफा के अंदर से। भाई भाई यहाँ पे बोर्ड संकेत सब दे दिया है, अभी हम थोड़ा सा साइड होके फिर साइड में लेते हैं भाई। अभी देखो भाई बीच से निकलेंगे, बीच से बीच वाले रास्ते से, क्योंकि साइडों में क्या मालूम यार पत्थर वगैरह हो। भाई भाई एक बार बस देखो। तो हमारा गाइस एग्जिट करने का पॉइंट आ गया है, जो कि नासिक और पूना, जिनको भाई पूना जाना रहेगा ना वो देखो। ये पहला जो कट आ रहा है, पहले कट से भाई नीचे उतर जाएंगे, और जिसको भाई नासिक जाना होगा वो आगे से भाई आगे वाले कट से उतरेंगे, वो भी गोल गोल चक्कर काट के। अभी हम गोल गोल चक्कर काट के ही उतरने वाले हैं, क्योंकि हमें जाना नासिक, और इस जगह का नाम है भाई शिन्नर। तो पहले हम यहाँ पे बीकानेर होटल है उधर रुकते थे, हम पूना से आते थे। तो अभी ये पार करके भाई एक राजस्थानी होटल दिखा रहा है इस साइड में, तो हम जाके राजस्थानी होटल में ब्रेक लेंगे, और 11:45 हो चुके हैं, तो अभी नहाएंगे धुलेंगे यहीं पर भाई, खाना खाएंगे, उसके बाद आराम से निकलेंगे। और थोड़ी सी भाई मेरी तबीयत भी ना डाउन लग रही है, थोड़ा सा सुस्ती और भाई अजीब हो रहा है, देखते भाई दबा लेते हैं पहले चल के। अभी फिलहाल नासिक के लिए यहाँ से एग्जिट करें, और यहाँ से भाई बोर्ड भी दे रहा है नासिक के लिए एग्जिट करने के लिए, आ जाओ। वो भाई गोल गोल घुमा के उतरना है ऐसे, देखो दिया है ना, फिर आके इस रोड में मिल जाएगा शिमला, और इधर जाना है हमें। इंडिकेटर दे दिया भाई, गाड़ी भाई अपनी लगा दी पार्किंग में, क्योंकि ये अलग से पार्किंग बना के रखे हैं, और होटल ना सामने है। और ये भाई एक बार अन्ना मॉडल की गाड़ी है, चेक करो भाई, अन्ना मॉडल की गाड़ी ना आपको सबसे अलग दिखेगी। ये हम लोगों की जो गाड़ियाँ होती हैं ना बोलते हैं ये हिंदी गाड़ी है, यानी हम लोग हिंदी बोलते हैं ना इसके लिए बोलते हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं सबकी हिंदी बोलते हैं, और जो इनकी गाड़ियाँ हैं अन्ना मॉडल की ये बोलते हैं भाई ये हमारा मतलब ये पी है आंध्रा जो भी हो ये बोलते हैं। एक गाड़ी है और भाई मारुति नंदन, अभी ये भी ना बड़ी गाड़ियों के लिए वो पार्किंग अलग से बन कर रखा है, और होटल सामने है। और अभी हम चल रहे हैं नहाने के लिए, यहाँ पे नहाएंगे भाई, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। तो भी फिलहाल भाई बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, नहा धो के मस्त अभी खाते हैं, देखते हैं फिर यार यहाँ से नासिक अपना 30 किलोमीटर और बाकी रह गया है, देखते अभी निकलेंगे थोड़ा सा आराम करके, घंटे दो घंटे लगभग आराम करेंगे टाइम देख के। वैसे अभी टाइम हो रहा है 1:30, तो कुछ टाइम में निकलेंगे, खाना खाने के बाद ही डिसाइड होगा भाई कि कितना घंटा आराम करना है। दाल फ्राई, दाल तड़का, दूसरी बैठ मसाला, सना मसाला, पालक पनीर, आलू मटर, मटर पनीर मसाला, पालक पनीर, सेव टमाटर, सेव मसाला। चलो सेव टमाटर लगा दो हाफ, ठीक है। ये आ गई भाई अपनी सेव टमाटर मसाले में, और प्लस रोटियाँ
और सलाद भाई, नींबू तो मज़ा आ जाता है भाई, नींबू मिलता है कहीं पे तो नींबू में और रखना ही है। अभी बहुत छोटे छोटे नींबू भैया। आजो भाई ख़त्म करते हैं पहले अपना खाना, और मौसम भी देखो कितना ख़तरनाक सा हो रहा है, और गाड़ी तो फिलहाल भाई वो खड़ी है पार्किंग में। भाई सेव टमाटर वैसे सब्जी कहीं कहीं पे मिलती है ख़राब, पर यहाँ पे ना भाई लाजवाब है, मज़ा आ रहा है भाई। अब आपको मैं छोटी सी जानकारी देता हूँ कि अभी यहाँ से जाना है हमें नासिक महिंद्रा, तो यहाँ से नासिक 14 किलोमीटर है, तो यहाँ से ना मैं धुलिया, जो धुलिया मुंबई वाला रोड है, मैं वहाँ तक देखा हूँ, उसके आगे नहीं देखा हूँ, तो वहाँ तक इन उस्ताद को मैं लेके जाऊँगा और उसके बाद ये उस्ताद मुझे लेके जाएंगे। तो ऐसे से भाई हमारा रोड चलता है, यानी आधा रास्ता हम देखें, आधा रास्ता सामने वाला, ऐसे से रोड करके हमारा पूरा हो जाता है। तो आ जाओ आप भाई ऊपर वाले का नाम लेके ना निकलते हैं। अब तक भाई मैं आ गया था, अब ना भाई वो गाड़ी सामने जा रही है KMT की, वो मेरे पीछे थी, अब उसको आगे कर दिया, क्योंकि वो भाई नासिक जहाँ से महिंद्रा लोड होती है पार्किंग का, जब वो उनको रास्ता पता है और मुझे नहीं पता है, इसके लिए भाई इनको बाईपास नहीं पता था नासिक का, इनको मैंने बाईपास पे ला के छोड़ दिया, और ये सामने हाईवे आ गया नासिक और मुंबई का, भाई धुलिया मुंबई वही पकड़ लो। तो अभी ये मुझे पार्किंग तक लेके जाएंगे, मैं इनको यहाँ तक लेकर आया। तो ऐसे भाई हम लोगों की भाई यारी दोस्ती चलती है रास्तों की, जिनको जितना पता रहता है भाई वो उतना साथ देते हैं और उतना तक भाई लेके चलते हैं। अभी हम इनके पीछे पीछे चलेंगे आराम आराम से। और ये है नासिक सिटी, तो भाई आगे आगे चल रहे हैं, अब उनके पीछे पीछे भाई आराम से हम भी चलते रहे यार, पिछलेटर गियर पे गियर भाई देते रहे, क्योंकि इनका पीछा छोड़ना नहीं है, इनका पीछा छोड़ दिया ना फिर पार्किंग तक बड़ी मुश्किल से पहुँचनी पड़ेगी, ऐसे इनके पीछे लग गए आराम से भाई पार्किंग तक हम पहुँच सकते हैं।